में ट्रेनिंग कर रहे थे ड्राइविंग की, उन्होंने अपना लाइसेंस को फाड़ दिया है। क्या रहा, क्यों फाड़ा भाई? अब क्या करे जी, अब लाइसेंस का क्या करना है जब ड्राइवर को इतनी मार हो रही है। ड्राइवर सबके लिए घूम रहा फिर रहा है, ड्राइवर ही करता है इंसान भाई, सारा कुछ करता है ड्राइवर ही, लास्ट में मार आ रहा है। अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया तब मर गया, गाड़ी छोड़ के नहीं भागा तो पब्लिक मार देगी, हर जगह मर रहा है ना ड्राइवर। हम क्या मारने, कोई हल थोड़ी है, अब हल नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है ना, हमें ड्राइवरी करनी नहीं, हम तो ड्राइवरी से हाथ जोड़ रहे हैं। अगर हमारे पास 7 लाख रुपए होते तो हम अपने घर नहीं बैठते। नरवाल साहब क्या कहेंगे जो युवा बच्चे लाइसेंस फाड़ रहे हैं? सरकार ने जो कानून जारी किया है ये देश के भविष्य के लिए भी सुरक्षित नहीं है। कौन युवा के नौकरी में आएगा, कौन युवा गाड़ी चलाएगा? अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, ये देखिए किस तरह इस युवक ने जो ट्रेनिंग करने आया था रोडवेज के अंदर, इसने अपना लाइसेंस ही फाड़ दिया। मेरे को नहीं करनी है, नहीं चलाना है मेरे को गाड़ी। तो देश क्या लगता है लाइसेंस फाड़ना समाधान है? क्या करेगा, किस लिए लाइसेंस बनवाता आदमी? लाइसेंस बनवाता है इसीलिए तो बनवाता है कि मैं कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं गाड़ी चला के अपने परिवार का गुजारा कर लूंगा। तो कौन 10 साल की नौकरी, कौन 10 साल की सजा? बिल्कुल, मेरा नाम है बजिद्दा जटान से मैं रहने वाला हूँ। तो मेरे को ये देखो, मेरा सचिन भट्टी मेरा नाम रहा और बजिद्दा जटान का मैं रहने वाला हूँ। तो हमें जरूरत नहीं है वैसे लाइसेंस की, क्योंकि ये लाइसेंस नहीं है, हमारी मौत है, हमें फंसा रहे हैं हम ड्राइवरी। हाँ, 10 साल की सजा हो रही है तो हम क्या करेंगे ऐसे लाइसेंस का? हमें जरूरत नहीं है ऐसे लाइसेंस की। अगर हमारे पास 7 लाख होते हैं हम अपने घर बैठते ना, अब ड्राइवर तो हर जगह मार गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक्सीडेंट करने पर अगर ड्राइवर भागता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, और घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो उसकी सजा थोड़ी सी कम कर दी जाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में रोडवेज में जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं जो बच्चे, उन्होंने अपना लाइसेंस फाड़ दिया और उसका विरोध किया। हम तो सभी से अपील करेंगे भाई, ड्राइवरी लाइन हम नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हम तो अपने घर रह लेंगे, कसी चला लेंगे, किसान गांव के बाड़ा का किसान है, मजदूरी कर लेंगे। ड्राइवरी में क्या है सर, हम तो कसी चला लेंगे, ड्राइवरी में हमें मरना थोड़ी है। कौन काटेगा सर 10 साल की सजा? अगर 10 साल के लिए 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला ड्राइवर 10 साल के लिए अंदर चला गया, गाड़ी वाला तो किसी और ड्राइवर को रख लेगा, वो मारा गया ना। अगर उसका 7 लाख का ब्योत होता वो अपनी गाड़ी चलाता, वो अपने कोई बिजनेस छेड़ लेता, कहाँ से देगा 7 लाख रुपए? 10,000 रुपए की नौकरी दे 24 घंटे बन गया, लर्निंग भी पाट दिया हमने तो। ये भाई क्या करेगा बंदा, अपने इस से है भाई, कौन करेगा? हम दोनों एक भाई कानून जो वापस ले अपना, बस मार दो दिया ये पीला सरकार। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो बच्चे ड्राइविंग सीख रहे थे करनाल रोडवेज में, उन्होंने अपने लाइसेंसों को यहां पर फाड़ दिया है और इस कानून का यहां पर ये विरोध करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नया कानून आया है, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता है तो उसे 10 साल की सजा हो जाएगी, अगर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो थोड़ी सी सजा कम कर दी जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं करनाल में किस तरीके से जो बच्चे हैं रोडवेज में ड्राइविंग का सीख रहे थे, उन्होंने अपने लाइसेंस को यहां पर जरूर फाड़ दिया और किस तरीके से इसका विरोध यहां पर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में जो रोडवेज में ट्रेनिंग कर रहे थे ड्राइविंग की, उन्होंने अपना लाइसेंस को फाड़ दिया है। क्या रहा, क्यों फाड़ा भाई? अब क्या करे जी, अब लाइसेंस का क्या करना है जब ड्राइवर को इतनी मार हो रही है। ड्राइवर सबके लिए घूम रहा फिर रहा है, ड्राइवर ही करता है इंसान भाई, सारा कुछ करता है ड्राइवर ही, लास्ट में मार आ रहा है। अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया तब मर गया, गाड़ी छोड़ के नहीं भागा तो पब्लिक मार देगी, हर जगह मर रहा है ना ड्राइवर। हम क्या मारने, कोई हल थोड़ी है, अब हल नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है ना, हमें ड्राइवरी करनी नहीं, हम तो ड्राइवरी से हाथ जोड़ रहे हैं। अगर हमारे पास 7 लाख रुपए होते तो हम अपने घर नहीं बैठते। नरवाल साहब क्या कहेंगे जो युवा बच्चे लाइसेंस फाड़ रहे हैं? सरकार ने जो कानून जारी किया है ये देश के भविष्य के लिए भी सुरक्षित नहीं है। कौन युवा के नौकरी में आएगा, कौन युवा गाड़ी चलाएगा? अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, ये देखिए किस तरह इस युवक ने जो ट्रेनिंग करने आया था रोडवेज के अंदर, इसने अपना लाइसेंस ही फाड़ दिया। मेरे को नहीं करनी है, नहीं चलाना है मेरे को गाड़ी। तो देश क्या लगता है लाइसेंस फाड़ना समाधान है? क्या करेगा, किस लिए लाइसेंस बनवाता आदमी? लाइसेंस बनवाता है इसीलिए तो बनवाता है कि मैं कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं गाड़ी चला के अपने परिवार का गुजारा कर लूंगा। कौन 10 साल की नौकरी, कौन 10 साल की सजा? तो बिल्कुल आप, मेरा नाम है बजिद्दा जटान से मैं रहने वाला हूँ। तो मेरे को ये देखो, मेरा सचिन भट्टी मेरा नाम रहा और बजिद्दा जटान का मैं रहने वाला हूँ। तो हमें जरूरत नहीं है वैसे लाइसेंस की, क्योंकि ये लाइसेंस नहीं है, हमारी मौत है, हमें फंसा रहे ना हम ड्राइवरी। हाँ, 10 साल की सजा हो रही है तो हम क्या करेंगे ऐसे लाइसेंस का? हमें जरूरत नहीं है ऐसे लाइसेंस की। अगर हमारे पास 7 लाख होते हैं अपने घर बैठते ना, अब ड्राइवर तो हर जगह मार गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक्सीडेंट करने पर अगर ड्राइवर भागता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, और घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो उसकी सजा थोड़ी सी कम कर दी जाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में रोडवेज में जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं जो बच्चे, उन्होंने अपना लाइसेंस फाड़ दिया और उसका विरोध किया। हम तो सभी से अपील करेंगे भाई, ड्राइवरी लाइन हम नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए,
हम तो अपने घर रह लेंगे, कसी चला लेंगे, किसान गांव के बाड़ा का किसान है, मजदूरी कर लेंगे। ड्राइवरी में क्या है सर, हम तो कसी चला लेंगे, ड्राइवरी में हमें मरना थोड़ी है। कौन काटेगा सर 10 साल की सजा? अगर 10 साल के लिए 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला ड्राइवर 10 साल के लिए अंदर चला गया, गाड़ी वाला तो किसी और ड्राइवर को रख लेगा, वो मारा गया ना। अगर उसका 7 लाख का ब्योत होता वो अपनी गाड़ी चलाता, वो अपनी अपने कोई बिजनेस छेड़ लेता, वहां से देगा 7 लाख रुपए 10,000 रुपए की नौकरी देगा, 24 घंटे बन गया। लर्निंग भी पार्ट दिया हमने तो, ये भाई क्या करेगा बंदा, अपने सिस्टम है भाई, कौन करेगा, हम तुम्हें कहा जी भाई कानून जो वापस ले अपना, बस मार दे दिया ये पीला सरकार। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो बच्चे ड्राइविंग सीख रहे थे करनाल रोडवेज में, उन्होंने अपने लाइसेंसों को यहाँ पर फाड़ दिया है और इस कानून का यहाँ पर ये विरोध करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नया कानून आया है, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता है तो उसे 10 साल की सजा हो जाएगी, अगर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो थोड़ी सी सजा कम कर दी जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं करनाल में किस तरीके से जो बच्चे हैं रोडवेज में ड्राइविंग का सीख रहे थे, उन्होंने अपने लाइसेंस को यहाँ पर जरूर फाड़ दिया और किस तरीके से इसका विरोध यहाँ पर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं।